आजमगढ़ जिले में घर से शौच के लिए निकली युवती को छींटा कसी का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल का उपचार वाराणसी में चल रहा है। घायल के पिता ने इस मामले में दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेनगर थाना क्षेत्र के खड़गपुर गांव निवासी अनिल सिंह की बेटी सुधा सिंह, जिनकी उम्र 24 वर्ष, ने हाल में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। मंगलवार की देर रात वह शौच के लिए घर से निकली, उसी दौरान दो युवक बाइक से वहां पहुंचे और कुछ छींटाकसी की। युवती ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत को गंभीर देख उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। अनिल सिंह ने इस मामले में दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेनगर थाना के अंतर्गत एक खड़गपुर गांव पड़ता है। कल शाम की घटना है। एक लड़की जो 21 साल की, वो शौच के लिए गई थी और जब शौच से लौट रही थी तो उस समय उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटरसाइकिल की दंगल के आए और उन्होंने फायर कर दिया जो उसके कंधे पे लगा है। उसको सदर अस्पताल लाया गया था और बेहतर इलाज के लिए उसे बनारस भेजा गया है और कोई भी इसमें अभी बात प्रकाश में नहीं आ रही है। जब उससे पूछताछ की गई थी कि आपको गोली मारने का कोई रीज़न वीजन है, तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी हुई है, तो उसके द्वारा बताया है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी की नहीं हुई है और अचानक आकर गोली मार दी है। अभी इसमें पुलिस ने 307 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। सारे पहलू पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण कराया जाएगा। अभी जब उसके पिता से भी बात की गई तो वो भी कोई रंजिश के बारे में नहीं बता रहे हैं, लड़की भी कोई छेड़खाने की बात नहीं बता रही है, तो इसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि क्या मैटर हो सकता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।